हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एज ए टेक सॉल्यूशन। तो दोस्तों कैसे हैं सब लोग, आई होप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप वाईफाई का पासवर्ड डाल के भूल चुके हैं या अगर आप वाईफाई का जो पासवर्ड है उसे चेंज करना चाहते हैं तो कैसे करें, तो आज का हमारा टॉपिक इसी के बीच होने वाली है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं कि किस तरह अपने वाईफाई का जो पासवर्ड है उसे हम लोग जाने और साथ ही साथ उसे कैसे चेंज किया जाता है। कोई सा भी आपके पास वाईफाई का राउटर है वो आप कर सकते हैं। जैसे मैं आपको स्टेप बताऊंगा आपको सेम वही स्टेप फॉलो करने हैं और अपने वाईफाई का पासवर्ड भी जान जाएंगे और साथ ही साथ अपने वाईफाई का जो पासवर्ड है उसे चेंज भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना होगा, विंडो प्लस आर ncpa.cpl ये आपको टाइप करनी है और ओके कर देना है। ओके करने के बाद में सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि ये मैं सेकेंड फ्लोर वाईफाई से कनेक्टेड हूँ। अब मुझे इस सेकेंड फ्लोर वाईफाई का पासवर्ड मैं भूल चुका हूँ, तो सबसे पहले मैं पासवर्ड को कैसे पता करूँ ये मैं आपको बताना चाहूँगा। तो वाईफाई पर क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है और स्टेटस पर आपको जाना है। स्टेटस पे जाने के बाद दोस्तों आपको जाना है वायरलेस की जो प्रॉपर्टी है उस पे जाना है। वायरलेस की प्रॉपर्टी के बाद आपको जाना है सिक्योरिटी में और सिक्योरिटी के बाद में आपको जो यहाँ पर शो करेक्टर दिख रहे हैं यहाँ पर आप चले जाइए। यहाँ पर जाते ही आपका जो भी पासवर्ड है यहाँ पर पता चल जाएगा कि आपने जो पासवर्ड दे रखा है ये वो पासवर्ड है। तो ये तो आपको पता चल गया कि अगर आप पासवर्ड डाल के भूल चुके हैं तो वो कैसे पता करें, लेकिन अगर ये आपको पासवर्ड चेंज करनी है तो आप अपने पासवर्ड को कैसे चेंज करें ये हमें जानना है। आप तो पासवर्ड को कैसे चेंज किया जाता है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, वाईफाई जो है आपका उससे कनेक्ट होना पड़ेगा। ये मैं वाईफाई से कनेक्ट हूँ। अब सबसे पहले मैं इसका आईपी देखूंगा कि इसकी आईपी क्या है, और आईपी देखने के लिए आईपी कॉन्फिग तो हमें क्या करना है, जो ये आप देख सकते हैं ये हमारा वायरलेस लैन एडाप्टर और इसकी जो डिफ़ॉल्ट गेटवे है ये है 192.168.0.1। आपको भी सेम यही स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, विंडो प्लस आर और आपको जाना है cmd टाइप करना है और एंटर कर देना है। और यहाँ पर आपको टाइप करना है आईपी कॉन्फिग करने के बाद में आपको जाना है वायरलेस लैन एडाप्टर वाईफाई पे, यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे जाना है वायरलेस लैन एडाप्टर वाईफाई पे। यहाँ पे जाने के बाद में आपको डिफॉल्ट गेटवे यहाँ पर लिखा होगा, डिफॉल्ट गेटवे में आपका जो भी आईपी होगा, मेरा तो आईपी यहाँ पे ये है 192.168.0.1, आपके केस में अलग हो सकते हैं लेकिन यही जो डिफॉल्ट गेटवे वही आईपी आपको याद करके 192.168.0.1। अब इसको मैं क्लोज कर दे रहा हूँ और आपको कोई सा भी ब्राउजर पे ओपन कर लीजिए और यहाँ पे टाइप कर लीजिए 0.1 और आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। एंटर करते ही दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा वाईफाई का जो राउटर है वहाँ पर यहाँ पे आपका पेज ओपन हो गया। ये हमारा जो वाईफाई का राउटर है DIR 825 है, ये हमारा D-Link का राउटर है। अब यहाँ पर यूजर नेम और एडमिन, यूजर नेम और पासवर्ड होता है। अब आपने अपने केस में कौन सा पासवर्ड डाल कर रखा होगा वो आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा, तो मैं मेंशन कर दे रहा हूँ और लॉगिन कर दूंगा। तो ये मैं बाय डिफॉल्ट रखा हूँ, बाय डिफॉल्ट जो होती है वो कोई पासवर्ड नहीं लगी होती है। तो आपको जाना है यहाँ पर, जो भी आपके पास वाईफाई राउटर होगा सेम आपको यही स्टेप फॉलो करने होंगे दोस्तों। सेम यही स्टेप में आप अपने जो भी वाईफाई का जो पासवर्ड है उसे आप चेंज कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं वायरलेस सेटिंग यहाँ पर है, वायरलेस सेटिंग। अब वायरलेस सेटिंग में जाने के बाद में आपको मैनुअल वायरलेस कनेक्शन सेटअप करना है, ऑटोमेटिक नहीं करना है, मैनुअल करना है। मैनुअली हमें जो भी करना है मैनुअली करना है। अब स्क्रॉल डाउन करते जाइए, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रीसेट की यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया था कि जो हमारा पासवर्ड है वो India@1231 है। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, पासवर्ड को चेंज करना है। तो दोस्तों यहाँ पर और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हमारा ये होती है वायरलेस होती है वो हमारा 2.4 GHz का भी होता है और 5 GHz बैंड का भी होता है। तो हमें दोनों में सेम आपको वाईफाई का जो पासवर्ड है वो रखना है। तो मैं सबसे पहले जो 2.4 जो हमारा गीगाहर्ट्ज का जो बैंड है उसमें मैं चेंजेस करना चाहूँगा। जो हमारा इसका पासवर्ड है ये रहा India@1231, तो इसको सिंपल आप चेंज कर लीजिए, INDIA@1231
फिर आपको जाना होगा वायरलेस बैंड 5 GHz बैंड पे, इसका स्क्रॉल डाउन कीजिए, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं फ्री सेट किट लिखा हुआ है, तो आपको ये भी चेंज कर लीजिए india@123। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेव सेटिंग लिखा हुआ है, अब आपको सेव सेटिंग क्लिक कर देना है। कुछ ही देर में जो आपका जो सेटिंग है वो कॉन्फ़िगर हो जाएगा, और जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा कनेक्शन हुआ था, अब ये डिसकनेक्ट हो गया, क्यों हो गया, अब यहाँ पर सेकेंड फ्लोर मेरा कनेक्ट ही नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो मैंने पासवर्ड है वो चेंज कर दिया है। तो अब मैं इसको क्या करूँगा, राइट क्लिक करके फॉरगेट कर दूँगा। फॉरगेट करने के बाद मैं आप सेकेंड फ्लोर पर जाऊँगा और इसे कनेक्ट करूँगा। अब जो मैं पासवर्ड रखा था india@123, और जैसे ही नेक्स्ट करूँगा आप थोड़ी देर बाद ये वेरीफाई करके ये आप देख सकते हैं कि कनेक्ट हो चुका है। तो दोस्तों ये था कि किस तरह आप अपने वाईफाई का जो पासवर्ड है वो अगर भूल गए हैं तो वो कैसे पता करें, अगर आपका वाईफाई का पासवर्ड आप चेंज करना चाहते हैं वो कैसे करें। आई होप आपको यहाँ पे समझ आ चुका होगा कि किस तरह वाईफाई का पासवर्ड को पता करें और साथ ही साथ किस तरह वाईफाई का जो पासवर्ड है उसे चेंज किया जाता है। अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे DM करें, मैं ज़रूर आपका जो भी कन्फ्यूजन है उसे क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई YouTube चैनल AJ Tech Solutions।